कि ये घटना कोई नया घटना नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो इसे प्रकाशित किया है इसके आधार पर आज वो अपनी विधि संगत संवैधानिक कार्रवाई कर। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में प्रमोद कुमार जो कि मोतिहारी सदर से विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि बिहार में अब मध्यवर्ती चुनाव होगा। उन्होंने साथ में एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि ये इसमें डॉक्यूमेंट है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। क्या कुछ कर रहे हैं प्रमोद कुमार, मोतिहारी से विधायक है, बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री भी है, क्या कुछ कर रहे हैं प्रमोद कुमार, प्लीज आप इस वीडियो में देखिए। जो IRCTC का तो उसमें कुछ रेलवे के भी अधिकारी के नाम आए थे, तो रेलवे अधिकारी पर जब CBI कार्रवाई करना चाहिए तो रेलवे अधिकारी कहे कि नहीं, हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, हम लोग पर केस नहीं होना चाहिए। तो ये मामला हाई कोर्ट में अपील में चला। नाम लेकर क्यों आए आप आज? इसीलिए आए हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता को बताने आए हैं कि ये घटना कोई नया घटना नहीं है। जो CBI ED कार्रवाई कर रही है कोई नया नहीं कर रही है। ये किताब में प्रकाशित जो समाचार है इसके आधार पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो इसे प्रकाशित किया है इसके आधार पर आज वो अपनी विधि संगत संवैधानिक कार्रवाई कर रही है। अरे अभी तो चुनाव होगा बिहार में, इस्तीफा का? अरे बिहार में तो अभी चुनाव होगा तुरंत, देखते चलिए कैसे होगा। अरे देखते चलिए कैसे चुनाव होगा। अरे यही होगा ना जी, यही चुनाव का ये डॉक्यूमेंट है, यही डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट से जेल चले, हर बात समझिए ना। अभी बिहार में तुरंत मध्यवर्ती चुनाव होगा लोकसभा के साथ। नीतीश कुमार का चुनाव होगा? नीतीश कुमार के तो जो प्रेशर था वो फ्री हो गया है, वो तो संवैधानिक जो कार्रवाई है वो होगा। नीतीश कुमार फिर आएंगे साथ में, ये भी उम्मीद है क्या? ये नीतीश कुमार जी के लिए तो दरवाजा भाजपा ने बंद कर दिया। मध्यवर्ती चुनाव कैसे होगा, कोई साथ छोड़ेगा तभी तो? अरे देखते ना रहिए क्या हो रहा है जी, देखते रहिए क्या हो रहा है। तो आपने देखा साफ तौर पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रेशर है वो अब हल्का हो गया है, तेजस्वी यादव को जेल जाएंगे। लेकिन उन्होंने इशारे में ही बोल दिया है, लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, मध्यवर्ती चुनाव बिहार में होगा। और साथ में किताब भी वो दिखाते नजर आ रहे हैं, जो किताब का नाम है लालू का लीला, जो कि कुछ दिन पहले ही सुशील मोदी वो किताब का जिक्र किए और उन्होंने दिखाया था मीडिया के सामने कि इसमें हमने पहले ही लिख दिया था, साफ कर दिया था कि कैसे यहाँ पे जमीन लिया जाता है और जमीन के बदला नौकरी दिया जाता है। तमाम तरह की बातें करते हुए प्रमोद कुमार नजर आ रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बन रहे हैं, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।